हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी चैनल से बोल रहा हूँ और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सेहत की कुंजी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इस वीडियो में इस वीडियो का जो टाइटल है कि हम मोटापे से कैसे छुटकारा पाएं। पहले ज़माना था कि लोग आप पतलेपन से परेशान थे, मोटा होना चाहते थे, और आज लोग परेशान हैं कि मोटापे से परेशान है और वो पतला होना चाहते हैं। तो हम इस मोटापे से कैसे छुटकारा पाए? तो दोस्तों, आजकल वजन बढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आजकल जिस को देखो वजन से परेशान है। क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल सबकी बदल गई है, खान पान सबका बदल गया है, और वजन कम करने के लिए कोई जिम जा रहा है, कोई डाइटिंग कर रहा है, कोई दवाइयाँ ले रहा है, कोई नए नए तरीके अपना रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल पा रहा है। और डाइटिंग वगैरह करने से बल्कि कमजोरी और आती जा रही है। तो इसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। और मोटापा से बहुत सारी बीमारियाँ घेर लेती हैं, हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और मतलब एक कान के डायबिटीज़ वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम रहती चली जा रही है, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है। तो आज मैंने दोस्तों इसलिए एक वीडियो बनाई है कि हम मोटापे से कैसे छुटकारा पाएं। मोटापे छुटकारा मिल गया तो हमें अधिक ज़्यादा बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप मेरी वीडियो को अगर आप शुरू से लास्ट तक देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मैं इसमें मोटापा क्यों होता है और किस कारण से होता है और उस मोटापे को हम कैसे दूर करें और क्या क्या हमें खान पान करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो प्लीज़ आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है? तो अब मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताऊँगा कि मोटापे के कारण क्या है, मोटापा होता किस वजह से है। मोटापे की कई वजह हैं। सबसे पहले तो मोटापे की एक वजह है, सबसे ज़्यादा हम फैटी वाला खाना खाते हैं, यानी अधिक चिकनाई वाला खाना खाएंगे तो मोटापा निश्चित बढ़ेगा। भोजन को हम बहुत ज़्यादा नहीं चबाते, कम से कम पुराने ज़माने में बताया जाता था कि मेडिकल में लिखा हुआ कि 32 times हमको खाना चबाना चाहिए, ठीक है? लेकिन हम लोग आजकल जल्दी इतने बिजी लाइफ है कि जल्दी जल्दी खाना खा जाते हैं और बिना चबाए थटकते चले जाते हैं, तो उससे मोटापा निश्चित बढ़ना है। गरम गरम खाना नहीं खाना चाहिए, मिठाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, बार बार जो खाना खाने की आदत है बहुत से लोगों में, वो बार बार नहीं खाना चाहिए। कुछ लोगों में हेरिडिटी की वजह से भी मोटापा आता है, और कुछ पीयूष ग्रंथि, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, दैट इज लोकेटेड ऑन द एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी जो ब्रेन के बेस पर जो होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, उसको ज़्यादा ही अगर डेवलप हो जाएगी तब भी मोटापा बढ़ता है। दिन में अगर हम बहुत ज़्यादा सोएंगे तब भी मोटापा बढ़ता है। मेहनत ना करें, आलस की तरफ पढ़ते रहें, आलस करते रहें, तो मेहनत ना करने से भी मोटापा बढ़ता है। दोनों समय का अगर जो खाना है, एक सुबह का और रात के खाने में, कम से कम 7 से 8 घंटे का डिस्टेंस जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बता रहे हैं कि अब हम किसी को मोटापा आ रहा है तो अब हम उसकी रोकथाम कैसे करें, यानी उसका ट्रीटमेंट क्या करें। तो आप इसको देखिए, अब मैं बताता हूँ कि ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं। तो सबसे पहला देसी आयुर्वेदिक इलाज है कि आप आधी कटोरी अलसी लें और उसको धीमी आँख पर हल्का हल्का भून, अब इसको हल्का हल्का जब ये भून जाए तब गैस की आँख को बंद कर दें और इसमें आधी कटोरी जीरा और आधी कटोरी अजवाइन, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके, यानी आधी कटोरी भुनी हुई अलसी, आधी कटोरी जीरा और आधी कटोरी अजवाइन, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके पीस करके चूर्ण बना लें, ठीक। अब इस चूर्ण को रोज़ सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले लिया करें, और इसके लेने के 1 घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं। ये चूर्ण इतना बढ़िया इम्यून सिस्टम को हमारे को बढ़ा देगा और पेट पर जमा जितना भी फैट होगा, टोन वगैरह सब जितना ही फैट है उसको पिघला करके सबको ख़त्म कर देगा। बहुत बढ़िया दवाई है। ग्रीन टी आप सब ने नाम सुना होगा। ग्रीन टी मोटापा घटाने के लिए, टोन घटाने के लिए, बढ़ी चर्बी घटाने के लिए सबसे बढ़िया आइटम है, सबसे बढ़िया दवाई है ये। इसके लिए क्या करना है, 3 कप कम से कम ग्रीन टी जरूर पिए। इस ग्रीन टी में थोड़ा सा नींबू मिला लें और शहद मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये सोने से 1/2 घंटे पहले जरूर पिए तो ये बहुत अच्छा फायदा है। वैसे हो सके तो इसको दिन में 3 बार तो जरूर ले ही लें, क्योंकि बहुत बढ़िया है।
एक और फार्मूला है, जीरा रात को एक गिलास पानी में जीरा को भिगो दें, एक चम्मच जीरे को एक गिलास पानी में भिगो दें और सुबह उबाल करके उसको चाय की तरह पी लें और जीरा जो निकाले उसको जीरे को खा लें। इसके लेने के एक घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं। इस जीरे को और इस पानी को पीने से शरीर के कोने कोने से जितना भी अनयूजुअल जितना भी बेकार का जो फैट चढ़ा हुआ है वो बहुत जल्दी हट जाएगा। इसके अलावा भुनी हुई हींग, काला नमक और जीरा ये बराबर मात्रा में इनको बराबर मिला लो और थोड़ा सा दही में डाल करके बेहतर टेस्ट के लिए दही में डाल करके रायते की तरह से इस्तेमाल कर लें, तब भी चर्बी घटाने में बहुत बढ़िया मदद करता है। अब अजवाइन, अजवाइन सबने ही देखा होगा, अजवाइन एक बहुत बढ़िया दवाई है। अजवाइन को 25 से 50 ग्राम अजवाइन रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह उसको छान कर उसमें थोड़ा सा शहद मिला करके पी लें। देखिए कितना बढ़िया पेट को घटाने में और शहद को घटाने में काम करती है। पत्ता गोभी, पत्ता गोभी का नाम सब जानते हैं, पत्ता गोभी मार्केट में आराम से मिल जाता है। पत्ता गोभी का जूस बहुत बढ़िया काम करता है। अगर आपके ऊपर फैट ज़्यादा चढ़ गया पत्ता गोभी का जूस पीजिए। इसके अलावा करेला, सुबह सुबह खाली पेट आधा गिलास करेले के रस में रस निकाल लो आधा गिलास और उस आधा गिलास रस में जो है हम थोड़ा सा नींबू मिला लें और नींबू मिलाकर करेले के रस में मिला करके दोनों को पिएं तो हमारी फैट को इतनी जल्दी घटेगा कि आप चमत्कार सा हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा उपाय है कि नींबू लें, नींबू का रस और एक गिलास गर्म पानी में नींबू का रस मिला लें, एक चम्मच शहद और चौथाई चम्मच काली मिर्च, ठीक है, एक गिलास पानी में एक चम्मच शहद, एक नींबू का रस और आधा चौथाई चम्मच काली मिर्च मिलाकर पी लें जल्दी। इससे जल्दी ही फैट घटेगा और दिन भर हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा। आपको ये इतनी रामबाण दवाई है, अगर हम सुबह ही सुबह बिल्कुल फ्रेश होकर ये शहद नींबू और काली मिर्च का मिक्सचर अगर बना कर लेंगे तो फैट में बहुत बढ़िया काम करता है। खाना खाने के साथ साथ कच्चा पपीता लेना भी बहुत फ़ायदे की चीज़ है, तो खाने के साथ कच्चा पपीता ज़रूर खाएं। एक होता है एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका, सेब का सिरका चर्बी घटाने के लिए बहुत बढ़िया फार्मूला। एक पानी, पानी पीने का भी स्टाइल होना चाहिए और कैसे पीना चाहिए ये सब लोग नहीं जानते। आज मैं उसके बारे में भी आपको बता रहा हूँ कि पानी को एक तो फ्रिज का पानी ना पिएं और कम से कम 3 से 4 लीटर डेली पिएं, खाली पेट गुनगुना पानी जरूर लें, भोजन के आधा घंटे बाद पानी पीना चाहिए और इसके अलावा भोजन से पहले पानी ना पिए, अगर पीना भी है तो कम से कम भोजन से आधा घंटे पहले पानी पीना चाहिए। दूसरा, पानी को अगर कम कभी भी पिए तो इस तरह से पिए जैसे चाय की चुस्की लेते टाइम पीते हैं, उस तरह से पानी पीना चाहिए, यानी कि पानी के साथ हमारी मुँह की लार भी पेट में जानी चाहिए, क्योंकि जो लार है वो हमारे पेट में जाने से एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और पाचन शक्ति को बढ़ाएगी और हमारे मोटापा को घटाएगी। ये फार्मूला आप आजमाइए, बहुत बढ़िया आपको आजमाए हुए फार्मूले हैं। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी फैट घटाने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरी अब ये वीडियो यहीं एंड होती है और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकॉन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें जिससे कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।